हेलो दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं या बीएससी कर चुके हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप बीएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप अपना करियर दो फील्ड में बना सकते हैं। जैसा कि आप बीएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप जॉब भी कर सकते हैं और अपना करियर भी, अगले जैसे कोई और कोर्स करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के दो ऑप्शन इसमें हैं, तो आप लोगों जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बीएससी के बाद आपके पास कोई प्रॉब्लम तो आप जॉब भी कर सकते हैं, या आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत सारे कोर्सेज बताऊँगा जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि बीएससी के बाद जॉब, तो दोस्तों बहुत सारे चांसेस होते हैं बीएससी करने के बाद। बीएससी करने के बाद बहुत सारे आप लोगों को चांसेस मिल जाते हैं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में अपना करियर बनाने के लिए। तो अगर आपके पास बीएससी का अच्छा ज्ञान है तो आप नौकरी के लिए नीचे दिए गए फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें जॉब मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। तो मैं पहले की बात करता हूँ रिसर्च फार्मेसी, जो कि रिसर्च फार्मेसी जैसे कि होता है कि आप दवा उसमें जा सकते हैं दवा वाली लाइन में, और इंडस्ट्रियल लेवल रेटीज ये करियर इसमें बना सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें करियर बना सकते हैं अपना। स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा टेस्टिंग लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल, फूड इंडस्ट्रीज और बहुत सारे हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें मेन रखा है और आप बहुत सारे उसमें अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन में चाहते हैं कि इसके बारे में सर बताइए तो मैं कर सकूं जॉब, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, ये तो जॉब हो गया। आप लोग अगर अपना करियर जॉब में बनाना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। और दूसरा केमिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ऑयल इंडस्ट्री, बहुत सारे आप लोगों को फील्ड मिल जाते हैं। आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन करके आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, जैसे कि आप बीएससी के बाद कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं। एमएससी में बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। एमसीए आप भी कर सकते हैं, एमसीए बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है इसकी, आप इसको भी कर सकते हैं। एमबीए जैसा कि आपको पता है बिजनेस से रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर ले तो अच्छी खासी आपको अपना बिजनेस सेल्फ का भी कर सकते हैं और जिस दूसरों के बिजनेस में भी अपना हाथ बटा सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं। बीटेक भी कर सकते हैं आप बीएससी के बाद, लेकिन बीटेक जब आप बीएससी के बाद बीटेक करेंगे तो वो 2 साल का हो जाएगा। आप लोगों को जब बीएससी और बीटेक है 5 साल में, जबकि बीटेक होता है 3 साल का, लेकिन अगर आप बीएससी के बाद बीटेक कर रहे हैं तो आपका 2 ही साल में हो जाएगा। बीएड और बीटीसी में आप अपना करियर बना सकते हैं, यहाँ टीचर बन सकते हैं प्राइमरी प्राइवेट। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ दोस्तों, फाइनली यहाँ पे इतनी कोशिश थी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपको जो अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करके आप उसकी प्रिपरेशन या वो जॉब कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ जॉब पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके लोकेशन में कोई जॉब देखकर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा अपने दोस्तों, तो वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जिससे वो भी इन्फॉर्मेशन पा सकें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।